ओम शांति। आज 25 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं, अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 20-2-1988। बाबा के महावाक्यों का सार है, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। बाबा ने कहा, आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परमधाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है, अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना? कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती हैं। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना? यहाँ से जाने के दिल नहीं होती है ना? अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना? वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ फिर भी सेवा याद आएगी? सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप से पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं व आप हो। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है,
यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना? करावन हार करा रहा है, करावन हार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं, ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं, जैसे माया का विघ्न खेल है। तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे, जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे, जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हैं। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ता, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का ज़रूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन हैं। स्वतः ही कार्य करते रहते,
जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है, इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति। इसलिए यह साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं, इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से भी बच जाते हैं। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 या 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो काम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा होगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य 1/2 घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास में 2-4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना
प्रोग्राम बनाओ, सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा ये एक वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व दो घंटे में एक मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है, तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स दो दो घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में एक मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो, तो उसमें ए बी सी स विटामिन्स आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब हैं ही बाप के और बाप आपका सर्वसंबंध हैं, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूट जाता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती, और शक्तिशाली की बजाय कमज़ोर हो जाते। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है। ये भी आवश्यक समझो, जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं, वैसे यह भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए दो घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो,
तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है। ये ऐड करो, जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह 1/2 घंटे में हो जाएगा। करके देखो, आप पे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है, इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वो भी अलौकिक होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रिहान कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है, कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस ज़रूरी है, इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। विस्तार, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं, उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।